हेलो एवरीवन वन आर टॉपिक फॉर टुडे इज साइंस क्लब देयर इज अ टॉपिक इन पैरागोजी ऑफ इंटीग्रेटेड साइंसिस इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सटेंडेड एक्सपीरियंसेस तो इसी के अंदर हमारा टॉपिक आता है साइंस क्लब लेट्स बिगिन फ्रॉम दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस क्लब ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस क्लब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साइंस क्लब फैक्टर्स गवर्निंग सक्सेस ऑफ साइंस क्लब एंड मैरिट्स ऑफ साइंस क्लब तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि वॉट इज साइंस क्लब सो साइंस क्लब इज़ वन ऑफ द बेटर प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स टू रियलाइज देअर साइंटिफिक स्किल्स नॉलेज एंड फुलफिल द रिक्वेस्ट इन डूइंग साइंस एक्टिविटीज फॉर विच दे डू नॉट गोट अपॉर्चुनिटीज विद इन द करिकुलम फ्रेमवर्क तो जो एक्टिविटी जो है वो बच्चे करिकुलम के अंदर उनको नहीं करने को मिलती वो चांस नहीं मिलता वो सब वो साइंस क्लब के थ्रू कर सकते हैं साइंस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपनी स्किल्स का साइंटिफिक स्किल का अपने इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं इनका यूज़ कर सकते हैं लेट्स कम टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस क्लब तो इसका प्रिंसिपल है लर्निंग बाई डूइंग यानी करके सीखना तो साइंस क्लब एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर बच्चे अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं ग्रुप में वर्क करते हैं और साइंस को लर्न करने में एक्सप्लोर करते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह यहाँ पर बच्चे करके सीखते हैं तो ये टू टाइप्स में हम बोल सकते हैं साइंस क्लब को डिवाइड किया जाता है वन इज़ फिजिकल साइंस क्लब सेकेंड इज़ बायोलॉजी क्लब फ़िजिकल साइंस क्लब में बेसिक हम फिज़िक्स की बात करते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री इसके अंदर आ जाती है एस्ट्रोनॉमी वगैरह आती है और सेकेंड इज बेसिकली जो फिज़िकल साइंस क्लब है इन और, इन ऑर्गेनिक वर्ल्ड को डेडिकेटेड है सेकंड इज़ बायोलॉजी क्लब वर्ड से आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा बायोलॉजिकल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर दोज इंटरेस्ट इन द लाइफ साइंसेज लाइफ साइंसेज में जो इंटरेस्ट होंगे वो बायोलॉजी क्लब के अंदर आएंगे नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस क्लब तो बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना उन्हें अपॉर्चुनिटी देना कि वो जो है वो चीज़ों को करके सीखे बाई साइंटिफिक मैथड्स और उनमें एक्सप्लोर करने की हैबिट को डेवलप करना क्रिएटिव और इन्वेंटिव फैकल्टीज जो है वो साइंस के क्लब के अंदर डेवलप की जाती है जिससे बच्चे और ज़्यादा सीखें क्रिएटिव बने इन्वेंटिव बने इन्ोवेटिव वर्क करना सीखे और साइंटिफिक हॉबीज़ उनके अंदर डेवलप की जाती है उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है लाइक प्रिपरेशन ऑफ सोप्स इंक्स टॉयलेट्स फोटोग्राफी एक्सेट्रा और उनकी टू इम्प्रूव कम्युनिटी रिलेटेड प्लान्स एंड एग्जीक्यूट दैम जो भी साइंस क्लब के रिलेटेड uh, प्लान्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है और टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ न्यू डिस्कवरीज ऑफ साइंस की मे के अंदर जो भी नई डिस्कवरी होती है वो उस नॉलेज को इम्पार्ट करना और उसकी इम्पोर्टेंस बच्चों को बताना टू पब्लिश डिफरेंट बुलेटिन एंड मैगजीन रिलेटेड टू साइंस साइंस क्लब के थ्रू जो है वो मैगज़ीन्स भी पब्लिश की जाती है बुलेटिन में ये सब चीज़ें पब्लिश होती है टू कंडक्ट वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑन प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिज़िकल साइंस जितनी भी प्रॉब्लम आती है फिजिकल साइंस में बच्चों को तो उसके लिए वर्कशॉप्स भी ये लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं सेमिनार्स भी ऑर्गनाइज कराते हैं जिसमें बच्चों के डाउट्स प्रॉब्लम सोल्व की जाती है टू प्रोवाइड लीडरशिप टू स्टूडेंट इन फॉलोइंग सब्जेक्ट बच्चों को लीडरशिप दी जाती है स्पीच देना टेक्निकल साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन देना टू गिव अकाउंट ऑफ न्यू पब्लिकेशन साइस ये सब वो करते हैं तो उनकी नॉलेज बढ़ती है और उनका इंटरेस्ट भी साथ साथ बढ़ता है टू इनक्रेज पीपल्स टू टेक कोऑपरेटिव इंटरप्राइज एंड इनिशिएटिव इन लर्निंग साइंस एंड टू डेवलप हैबिट्स ऑफ नीट एंड हेल्थफुल लिविंग ये आप समझ गए होंगे तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं नए कम नो कम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइंस क्लब कि साइंस क्लब फॉर्म कैसे होता है अगर आप स्कूल में या यूनिवर्सिटी के अंदर जाँ भी तो साइंस क्लब वहाँ पर फॉर्म कैसे होता है तो फर्स्ट वन अगर हम समझे तो सबसे पहले उसका नेम सजेस्ट किया जाता है लाइक दिस क्लब शैल बी नोन एज द जो भी उसका नेम होगा साइंस वन समथिंग कुछ भी तो इस तरह उसका नेम सजेस्ट किया जाता है सेकंड देखा जाता है कि हमारे क्या क्या एम्स रहेंगे अगर हम इसको बना रहे हैं तो क्या क्या एम को हम लेकर चलेंगे जिन्हें हमें आगे फुलफिल करना है तो इनके बेसिक एम यही होते हैं कि टू इंक्रीज आर नॉलेज ऑफ साइंस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन आर लाइफ हमारी डेली लाइफ में साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है साइंस के रिलेटेड हम बच्चों की नॉलेज बढ़े और टू लर्न टू परफेक्ट अर स्किल्स इन साइंस साइंस में अपनी स्किल को बढ़ाए टू पॉपुलाइज साइंस इन आर कम्युनिटी एंड नेशन कम्युनिटी के अंदर भी और अपने कंट्री के अंदर भी साइंस को कैसे पॉपुलराइज बनाना है और टू है कैरी आउट द प्रोग्राम्स ऑफ द क्लब क्लब के प्रोग्राम्स को कैरी आउट कराने में ये हेल्प करे तो ये चीज़ें तो बेसिक है कि इसके एम होंगे क्लब के सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे अच्छे से ये सब एम वो ले कर चलते हैं आर्टिकल थ्री के अंदर आता है मेम्बरशिप एंड फीस कि कौन कौन इसके मेंबर रहेंगे क्या क्या फीस रहेगी ये चीज़ें तो इसमें कोई भी बॉय या कोई भी गर्ल जो कि इंटरेस्टेड होंगे इन द एम्स ऑफ दिस क्लब कि हाँ अगर हम कोऑपरेट करें तो हाँ ये एम हम फुलफिल कर सकते हैं या वो इंटरेस्टेड होते हैं कि ये एम होने चाहिए वो जो है वो एलिजिबल होते हैं मेम्बरशिप के लिए यानी कि कोई भी अगर साइंस में इंटरेस्टेड है वो लोग आ सकते हैं फॉर द मेम्बरशिप ऑफ साइंस क्लब तो एप्लीकेशन ऑफ मेंबरशिप मस्ट बी मेड इन रिटर्न टू द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब क्लब के सेक्रेटरी को जो है वो एप्लीकेशन देनी पड़ती है इन रिटर्न रिटर्न में आपको लिखना पड़ता है कि हाँ मैं इस क्लब के अंदर मेंबर बनना चाहता हूँ मैं इसके जो एम्स हैं उनको लेकर आगे बढ़ूंगा इनको फुलफ़िल करूँगा एनी इंडिविजुअल सेटिसफाइंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेटअप बाई द क्लब में बिकम ए मेबर जिसको भी क्लब जो है वो एलिजिबल रिक्वायरमेंट जिसकी फुलफ़िल हो जाती है क्लब एक्सेप्ट कर लेता है जिसको भी वही इसका मेम्बर बन जाता है और मेम्बर को क्या है कि रेगुलरली मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है और अगर उसने जो है वो अपसेंट रहा किसी रीज़न से लाइक तीन बार वो लगातार अपसेंट रहा और कोई सेटिस्फैक्ट्री रीज़न कोई बड़ा रीज़न भी नहीं रहा तो उसको उससे क्लब को बाहर भी निकाल दिया जाता है उस इंसान को उस मेम्बर को तो इसलिए क्लब के जो रूल्स है रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता है अगर आप मेम्बर है क्लब के तो एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल ईयर मेंबरशिप रूल्स एल विवाइज टू इंक्लूड ओनली एक्टिव मेंबर हु आर इन गुड स्टैंडिंग जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं उन्हीं को स्टार्टिंग में गिना जाता है और कुछ मेंबर फी भी होती है जो एनअली पे करनी पड़ती है और जितने भी एक्सपेंडिचर है वो मेंबर के अप्रूवल के बाद ही मिलते हैं लाइक क्लब के अंदर बहुत सारी चीज़ें मंगवाई जाती है उसको जो फंड होता है उसके थ्रू स्कूल में या कहीं भी साइंस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई ऑब्जेक्ट्स मंगवाए साइंस अपरेटस मंगवाए तो जितने भी खर्च होता है जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो साइंस मेंबर्स जो होते हैं उनके अप्रूवल से ही होता है आगे बात करें तो ऑफिसर्स कौन कौन इसके मेंबर में कौन कौन ऑफिसर रहेंगे लाइक like, प्रेसिडेंट कौन वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरार लाइब्रेरियन रिपोर्टर तो ये सब साइंस क्लब के अंदर जरूर होते हैं और इलेक्शन ऑफ ऑफिसर सेल बी वाई मेजॉरिटी वोट मेजोरिटी वोट जो मेंबर्स की होगी उसके थ्रू इनका इलेक्शन होता है एंड सेल टेक प्लेस एट द फर्स्ट रेगुलर मीटिंग ऑफ ईच स्कूल ईयर जितना भी स्कूल ईयर स्टार्ट होता है वो पहली मीटिंग में ही ये सब हो जाता है ऑफिसर जो है वो अगर वो खुश नहीं है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं खुद ही रिजाइन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं बस उसको नोटिस देना पड़ता है सेक्रेटरी ऑफ द क्लब को इलेक्शन में भी हेल्ड वैन एवर एनी ऑफिस डिक्लेयर्ड वैकेंट कोई भी ऑफिस वैकेंट होगा गए तभी इलेक्शन यहाँ पे हो जाते हैं और ड्यूटीज ऑफ द प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट सेक्रेटरी टेजरा लाइब्रेरियन रिपोर्टर वही होती है जो नॉर्मली ये लोग परफॉर्म करते हैं लाइक प्रेजिडेंट सभी चीज़ों पर साइन करेगा वो नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा सेक्रेटरी को क्या संभालना है ट्रेजरार को क्या संभालना है लाइब्रेरियन क्या देखता है रिपोर्टर क्या करता है ये सारी जितने भी ड्यूटीज़ हैं ये नॉर्मली वही इनके नाम के अकॉर्डिंग यही वो फुलफिल करते हैं जो इनको असाइन हो सकती है यूजली जो लोग परफॉर्म करते हैं वो इनकी ड्यूटीज़ होती है एनी ऑफिसर ऑफ द क्लब क्लब का कोई भी ऑफिसर जो है वो क्लब से उसको निकाला जा सकता है ये हमने पढ़ाई है और उसमें जो है वो थ्री बाई फोर्थ वोट्स ऑफ द मेंबर फॉर इन एशफफिशेंसी नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज और तो फॉर डूंग चेक दैट विल डिसडिट द क्लब यानी कि 75 परसेंट अगर उसके अगेंस्ट वोट जाती है कि ये अच्छे से काम नहीं करता ड्यूटीज़ को अवॉइड करता है या कुछ ऐसे एक्ट करता है जो क्लब के लिए ठीक नहीं है तो उसको जो है वो आसानी से क्लब के अंदर से रिमूव कर दिया जाता है आर्टिकल फाइव में आते हैं अमेंडमेंट्स तो दिस कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडेड बाई ए थ्री फोर्थ वोट्स ऑफ द मेंबर तो जितना भी इसका जो फॉर्मेशन है इसके जो रूल्स है ये भी इसके अंदर भी थ्री फोर्थ थ्री क्वार्टर वोट पड़ती है मेंबर्स की यानी कि 75 फाइव परसेंट मेम्बर अगर इनसे सेटिसफाई है तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है अगर 100 मेंबर है क्लब के अंदर और उनमें से 75 फाइव इसको एग्री करते हैं कि ये रूल्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है क्लब का तभी ये जो है वो लागू होता है अप्लाई होता है आगे देखें तो आ गया था है मीटिंग्स तो रेगुलर मीटिंग हमें पता ही है कि होनी चाहिए कभी भी हो सकती है वीक के अंदर या स्कूल सेशन में कभी भी उसको अनाउंस कर दिया जाता है या तो साइंस रूम के अंदर होती है कहीं भी अगर उनको स्पेस मिल जाता है और अगर कोई स्पेशल मीटिंग करानी है तो वो प्रेजिडेंट जो है वो साइंस क्लब का वो किसी भी टाइम ऑर्गेनाइज़ कर सकता है और मेम्बर्स को वहाँ पर ज्वाइन होना पड़ता है प्रोग्राम एजेंडा फॉर ईच मीटिंग सेल्फी प्लान बाय द ऑफिसर्स ऑफ द क्लब जो भी ट्रेजरार सेक्रेटरी जो लोग भी हैं ऑफिसर्स ये, ये जो है वो सेट करते कि क्या एजेंडा रहेगा क्या प्रोग्राम हम इस मीटिंग के थ्रू कंडक्ट कराना चाहते हैं या क्या क्लब के अंदर और चीज़ें इम्प्रूवमेंट की नीड है क्या अपाई होना चाहिए क्या हटना चाहिए तो ये वो एजेंडा बनाते हैं ऑफिसर्स ऑफ द क्लब आगे देखें तो फैक्टर्स गवर्निंग द सक्सेस ऑफ साइंस क्लब अगर एक साइंस क्लब तो बन गया है बट उसकी सक्सेस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि हाँ वो सक्सेसफुल रहेगा उसके जो एम्स है ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल होंगे या वो पूरा स्मूथ चलेगा तो यहाँ पर कुछ फैक्टर है लाइक साइंस टीचर अगर उससे अच्छे साइंस टीचर जुड़ेंगे तो नए नए इन्वेंशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं अकोमोडेशन अच्छा होगा नेसेसरी इक्विपमेंट जितने चाहिए वो सब की अवेलेबिलिटी अगर अच्छी होगी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी टीचर्स को प्रॉपर फंड मिलेगा ये नहीं कि फ़ंड बहुत कम दिया है और आपके एम है वो काफ़ी बड़े बड़े हैं फंड भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए तब ये चीज़ें आ पाएंगी और रिसर्च वर्क अच्छे से हो पाएगा तो ये इसके फैक्टर्स हुए नेक्स्ट आई एम टोकिंग आई विल टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ साइंस क्लब तो साइंस क्लब एक लाइवली और परमानेंट इंटरेस्ट क्रिएट करता है बच्चों में रिगार्डिंग साइंस साइंस को अपनी डेली लाइफ से जोड़ पाते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है दे इनक्रेज ग्रुप वर्क ग्रुप वर्क इससे बढ़ता है बच्चों के बीच में वो ग्रुप वर्क करना चाहते हैं क्योंकि साइंस क्लब के अंदर एक इंडिविजुअल इंसान वर्क नहीं कर सकता हमारे पास बहुत सारा वर्क होता है हम ग्रुप में उसको डिवाइड कर देते हैं और ग्रुप वर्क अगर बच्चे करेंगे तो एक बेटर रिजल्ट निकल के आएगा और ये साइंस के एडवांसमेंट के लिए भी अच्छा है क्योंकि सब अपने अपने आइडियाज़ यहाँ पर देंगे और सोशल वर्शूज डेवलप होती है सोशल इंट्रैक्शन बच्चों का बढ़ता है दे ऑफर ट्रेनिंग इन लीडरशिप एंड प्रोमोट सेल्फ एक्सप्रेशन लीडरशिप में आपको ट्रेनिंग मिल जाती है कैसे एक लीडरशिप लीडर leader के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं ये चीज़ें आपको जानने को मिलती है और सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ता है अपने आप को आप एक्सप्रेस कर पाते हो अपने आइडियाज़ को क्या न्यू होना चाहिए इस तरह एक इन्वेंशन होती है रिसर्च वर्क चलता है दे गिव द बेटर स्टूडेंट एंड इंसेंटिव फॉर स्पेशलाइजेशन ऑन लाइन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर कोई ज़्यादा ही अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसको इंसेंटिव भी देते हैं कुछ फ़ायदा भी देते हैं पैसे के मामले में ले लो तो प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो आगे बढ़ पाए और अगर वो साइंस में कुछ अच्छा करना चाहता है साइंटिस्ट या कुछ भी उसके लिए वो उनको जो है वो इंसेंटिव्स देते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल